28 जुलाई के इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है हमारा प्रीवियसली अननोन फॉल्ट्स एट द फुट ऑफ हिमालय डिस्कवर्ड। सेकंड इज विटामिन डी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। थर्ड मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। फोर्थ इज व्हाई अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ। फिफ्थ इज सोलर ऑर्बिटर एंड सिक्स्थ इज असम फ्लड्स। Previously unknown faults at the foot of the Himalaya discovered. This is covered under GS paper 1. Geography का topic है। Important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. Context क्या है? एक oil and gas exploration company ने geologist की help की है एक series of fault को discover करने में, कहाँ पर? Foot of the Himalaya। ये जो फॉल्ट सिस्टम है ये सदर्न ईस्टर्न रीजन में है नेपाल के, और इसका जो पोटेंशियल है ये अर्थक्वेक कॉज कर सकता है एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर। तो इन फाइंडिंग्स का सिग्निफिकेंस क्या होगा हमारे लिए? ये जो नेटवर्क है फॉल्ट्स का ये दिखाता है कि जो हिमालयन डिफॉर्मेशन है ना वो फर्दर भी है, मतलब पहले एक प्रीवियसली एक जो मार्किंग की गई थी उसके और आगे बियॉन्ड 40 किलोमीटर साउथ साइड में है, वहाँ पर हिमालय की डिफॉर्मेशन का पॉइंट है। इन्होंने हाईलाइट किया कि क्या नीड है उस सरफेस के बिलो देखने की, ठीक है, और उसको फुली अंडरस्टैंड करने की अर्थक्वेक और उसके स्ट्रक्चर जो है हिमालय के विदिन में उस एरिया के अंदर किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या कुछ चलता है। तो इस फॉल्ट सिस्टम से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जो न्यूली डिस्कवर्ड सिस्टम है इट डजन अपीयर टू एक्सटेंड इन टू इंडिया, बेसिकली ये नेपाल के रीजन के अंदर ही लाया करता है, लेकिन जो सिस्मिक वेव्स हैं अर्थक्वेक की जो वहाँ पर होंगी उसके अफेक्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर भी महसूस किए जा सकते हैं क्योंकि बॉर्डर के पास है बिल्कुल। हाउएवर जो बाकी सिमिलर फॉल्ट्स हैं वो कहीं और पर प्रेजेंट हो सकते हैं सदर्न एज के हिमालय के अंदर, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया के बीनीथ में, यानी कि उस रीजन के अंदर ही जो नेपाल इंडिया का जो रीजन है वहाँ पर, क्योंकि प्लेट्स का ये होता है ना ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं कि आपको जो मार्क ऊपर से दिखाई दे रहा है फॉल्ट का वो एग्जैक्टली सीधा जा रहा होगा, हो सकता है कि नीचे की तरफ से वो एक स्लांटिंग हो, वो इंडिया के बॉर्डर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि फॉल्ट होता क्या है। फॉल्ट एक फ्रैक्चर और या फिर एक जोन ऑफ फ्रैक्चर्स होता है रॉक के दो ब्लॉक्स के अंदर, बेसिकली एक ये पत्थर है और एग्जैक्टली एक ये पत्थर हो जाता है, तो ये जो बीच का पॉइंट होता है ये फॉल्ट बन जाता है, ठीक है। फॉल्ट जो है वो ब्लॉक्स को अलाउ करते हैं एक दूसरे से रिलेटिव होने में, ठीक है, मूवमेंट के लिए। कोई भी एक ब्लॉक होता है दूसरे के अगेंस्ट जब मूव करता है तो फॉल्ट के अलॉन्ग मूव करता है। ये जो मूवमेंट है रैपिडली होती है अर्थक्वेक के फॉर्म के अंदर, या फिर जब स्लोली होती है तो क्रीप बन जाता है। प्रीवियसली ये जो अननोन फॉल्ट थे ना ये हिमालय के फुट में डिस्कवर किए गए थे। फॉल्ट्स जो है वो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से भी रिलेटेड हैं। जो बिगेस्ट फॉल हैं वो जब बड़े जो बिगेस्ट फॉल्ट्स होते हैं ना वो दो प्लेट्स की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर इस मैप में आप रेड को देख पा रहे होंगे ना, ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, बेसिकली फॉल्ट्स हैं बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के जहाँ पर दूसरा रॉक जो है उनसे मिल रहा है। तो इंडिया का आपको देख पा रहा होगा, एक बार उसको जूम इन करता हूँ, ये इंडिया का आपको हिमालयन रीजन में दिख रहा होगा ना, तो ये यहाँ कहीं नेपाल के आसपास के रीजन में यहाँ कहीं देखा गया है। तीन तरह के फॉल्ट्स होते हैं, एक होता है स्ट्राइक स्लिप, एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है थ्रस्ट रिवर्स फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप क्या इंडिकेट करता है कि जो रॉक्स हैं ना स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विद लिटल टू नो वर्टिकल मूवमेंट। ध्यान रहे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है, वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो रही है। इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है सैन एंड्रियास और जो एनाटोलियन फॉल्ट्स हैं वो स्ट्राइक स्लिप के हैं। अभी एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये आप मेंस में लिख सकते हो, प्लस प्रीलिम्स के अंदर भी ऑप्शन आ सकता है। नॉर्मल फॉल्ट जो है वो स्पेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जो दो ब्लॉक्स होते हैं क्रस्ट के वो अपार्ट यानी कि दूर दूर हो जाते हैं, स्ट्रेच करते हैं जो क्रस्ट को, तो उसमें वैली फॉर्म बन जाती है, ठीक है। जो बेसिन होता है, जो रेंज प्रोविंस होता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका का हो गया और जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन है, ये दो वेल नोन रीजन्स है जहाँ पर नॉर्मल फॉल्ट जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं एक दूसरे से अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, बेसिकली अवे होते हैं, मूवमेंट अवे होती है यहाँ पर। फिर एक होता है थ्रस्ट, इसको रिवर्स फॉल्ट भी बोलते हैं। ये एक जो ब्लॉक होता है ना वो स्लाइड करता है दूसरे के क्रस्ट के ऊपर, बेसिकली एक जो ब्लॉक है दूसरे के क्रस्ट के ऊपर ही स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह के फोल्ड जो है कॉमनली जो है कोलिजन जोन्स में मिलते हैं जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट जो है पुश करती है माउंटेन रेंजेस को, जैसे हिमालय जो था और जो रॉकी माउंटेन्स है ये नीचे से निकल के ऊपर की तरफ आए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग गया। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो होते हैं यूजुअली वर्टिकल होते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो होते हैं, और जो नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट होते हैं ये जनरली एक एंगल के ऊपर होते हैं टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो फॉल्टिंग से पहले देखो इस तरीके से होता है, कोई पूरा का पूरा एग्जैक्ट लेयर प्लेन होता है, कोई फॉल्ट नहीं होता है। फिर एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, ठीक है, ये स्ट्राइक स्लिप होता है और ये फॉल्ट प्लेन बन जाता है इस तरफ को, तो मूवमेंट आपको दिखाई देगी। देन वी हैव एक्सटेंसिव ग्रेविटी, वर्टिकल ऑफसेट जो होता है ना ये नॉर्मल फॉल्ट के अंदर आता है, एक ये होगी फुटबॉल और ये होगी हमारी हैंगिंग बॉल लटकती हुई।
देन वी हैव वर्टिकल ऑफसेट। रिवर्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा एक होता है हैंगिंग वॉल और एक होता है फुट वॉल। तो हैंगिंग वॉल की जो मूवमेंट थी वो अपर साइड की तरफ हो गई है। नाउ वी हैव ऑब्लिक फॉल्ट। ऑब्लिक फॉल्ट के अंदर एक फॉल्ट प्लेन ये हो गया, ये कॉम्बिनेशन फोर्सेज का होता है बेसिकली। इसमें लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन दोनों साइड की मूवमेंट दिखती है, तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज भी बोलते हैं। वट आर फॉल्ट टाइप्स, वट इज एन एपी सेंटर, नेम द मेजर प्लेट्स, एमरजेंट वर्सेज सबमर्जेंट कोस्टलाइन और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स तो रेले वेव्स होती हैं। पहले तो आप एपी सेंटर और हाइपो सेंटर को देख लो एक बार। ये जो अर्थ का ये लेयर है ऊपर, जहाँ पर एपी सेंटर है, जहाँ अर्थ के ऊपर आपको फील होता है ना अर्थक्वेक, उसे एपी सेंटर बोलते हैं। और जहाँ पे भी जो दो फॉल्ट्स मिल रहे हैं बीच में, जो हाइपो सेंटर है, इसी को फोकस भी बोला जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में अर्थक्वेक अराइज करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ लिस्ट की बात कर रहे थे मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। मेजर के बारे में पूछा था, मैं माइनर भी आपको दिखा दूंगा। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, इसमें एक बल्क ऑफ कॉन्टिनेंट्स होता है, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है। तो जैसे पैसिफिक प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये तो मेजर हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई। माइनर प्लेट्स के बारे में एक बार देख लो, जैसे सोमाली प्लेट, नाजका प्लेट, ठीक है, कहाँ कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के बेसिन में है। अमूरियन प्लेट जो है वो ईस्टर्न एशिया में है, सुंडा प्लेट जो है साउथ ईस्ट एशिया में है, फिलिपिन सी प्लेट जो है ओशनिक के टेक्टोनिक प्लेट है, और कौत्सक प्लेट जो है ये जापान के अंदर है, अरेबियन प्लेट जो है ये अरेबियन पेनिनसुला में है, यांगजे प्लेट चाइना कैरिबियन। तो कुछ कुछ ना नाम ऐसे हैं जो आपको कंट्री के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, कंट्री के लोकेशन से। लेकिन एक बार ये आपको सारी की सारी, वंस यू हैव टू गो थ्रू दिस बिफोर सिटिंग इन टू द एग्जाम फिल्म से पहले एक बार ये नाम हम सारे आपको मालूम होना चाहिए। देन इट वॉज वॉट इज एमरजेंट एंड सबमर्जेंट कोस्ट क्या होते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इमर्ज करना मतलब निकल के आ रहा है, सबमर्ज करने का मतलब बैठ रहा है, सबमर्ज कर रहा है, डूब रहा है। वो कोस्टल एरिया जो इमर्ज कर रहा है, यानी कि सी बेड से कि पैरेलली जो अपलिफ्ट हो रहा है, ठीक है। क्वाइट फॉर एमरजेंट कोस्ट जो होते हैं, रॉकी कोस्ट लाइन होते हैं, जिसमें क्लिफ्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्लैट प्लेटफॉर्म दे मिलेंगे, ठीक है, और ये इनलैंड से एक्सटेंड करते हैं। ऑलराइट, एक अच्छा सा एग्जांपल एमरजेंट कोस्ट लाइन का होता है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमिटी होती है ना इस तरह के एक्टिव प्लेट की, टेक्टोनिक मार्जिन की, जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, और स्कैंडिनेवियन कोस्ट लाइन होगी स्वीडन नॉर्वे की, ये सारे के सारे एमरजेंट कोस्ट हैं। तो एक बार हम लोग सबमर्जेंट को देख लेते हैं। सबमर्जेंट का मतलब होता है जो सबमर्ज कर रहा है, डूब रहा है। ये वो होते हैं जो फ्लड कर दिए जाते हैं ओशन वेव्स के द्वारा, ठीक है। जब ओशन वेव्स होती हैं रिलेटिवली हाई होती हैं, एलिवेशन हाई होता है सी लेवल के पास लोकेशन की, तो जब सी लेवल के अंदर राइज देखने को मिलता है ना, तो उसी के कारण उसकी वॉल्यूम जो वाटर की इंक्रीज़ करती है ओशन बेसिन के अंदर, ठीक है। इसी के कारण जो लैंड सरफेस होता है वो सिंक करने लगता है, वहाँ पर एक अपेरेंट राइज क्रिएट होता है सी लेवल के अंदर। एक कॉमन फीचर जो सबमर्जेंट कोस्टल जोन्स का, वो है रिवर की वैलीज जो होती हैं, ग्लेशियली जो कार्व्ड वैलीज होती है ना, जिनको ओशन वाटर फ्लड कर देता है, वो होता है सबमर्जेंट कोस्ट टाइप का। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो चेसापीकी बे है जो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का, वो क्लासिक एग्जाम्पल है रिवर वैली का, जो एक्सटेंड करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, स्पेशली जो आइस एज तक की बात की जा रही है, वहाँ पर जो ओशन वाटर था वो स्टोर किया गया था आइस शीट्स के अंदर। अब जो आइस एज है वो एंड हो गई है, तो आइस शीट मेल्ट हो चुकी है, सी लेवल वहाँ पर राइज कर गया है, तो जो रिवर वैली थी वो फ्लड, वो मरीन वाटर से फ्लड हो गई थी, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर चेसापीक बे क्रिएट हो गया था। देन वी हैव टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। एक बार इन वेव्स के बारे में हल्का सा मैं आपको ऊपर से आइडिया देता हूँ। सीस्मिक वेव जो होती है ना, बेसिकली दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स होती हैं। बॉडी वेव्स जो होती हैं वो जनरेट जब करती हैं, जब रिलीज होती है एनर्जी की फोकस के ऊपर, फोकस मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में, इसलिए उसका नाम बॉडी वेव, क्योंकि अर्थ एक बॉडी है, बॉडी के अंदर वो मूव करती हैं। अब उसकी अपनी दो टाइप्स होती हैं, पी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, ये तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। सरफेस वेव देख लेते हैं, एक तो होगी बॉडी की वेव, एक होती है सरफेस की वेव। ये जो वेव्स होती हैं इंटरेक्ट करती हैं सरफेस के ऊपर जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, और उनके इंटरेक्ट के बाद एक नई सेट ऑफ वेव्स क्रिएट होती है, ऑलराइट, जो नीचे से अर्थ से निकल के आई, जैसे वो अर्थ के ऊपर सरफेस से इंटरेक्ट करेंगी तो रॉक्स वगैरह से इंटरेक्ट करती है, वहाँ से एक नई वेव क्रिएट होती है। सरफेस वेव को हम लोग लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत लॉन्ग होती है, लेकिन जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है लो होती है ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर, शेयर वेव्स, और ये इमीडिएट नेबरहुड जो होता है ना एपिसेंटर का, वहीं पर ये डेवलप होती हैं। तो जिस तरीके से ये मूव करती है ना, डिस्टेंस करती हैं अपने आप को बॉडी वेव से, इनकी जो एनर्जी होती है वो लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, और पार्टिकल मोशन जो होता है सरफेस वेव का वो लार्जर होता है बॉडी वेव से। सो इसलिए जो सरफेस वेव्स होती हैं वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं अर्थक्वेक वेव्स के अंदर, और इन्हीं की कैटेगरी में आती हैं रेले वेव्स वगैरह। ये स्लोवेस्ट भी होती हैं अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं, और ये रिकॉर्ड जो लास्टली जो सिस्मोग्राफ होता है, जिस ग्राफ के ऊपर हम लोग इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं अपना उसका
अर्थक्वेक का, वहाँ पर ये सबसे लास्ट में रिकॉर्ड की जाती हैं। नाउ वी हैव विटामिन डी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, दिस इज कवर अंडर जीएस पेपर टू, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। अब विटामिन डी का कुछ कनेक्शन दिखाएंगे, किस तरीके इसके बारे में बात करेंगे, यानी इसका कोविड-19 से क्या रिलेशन है उसके बारे में बात की जाएगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें इस पर टॉपिक के अंदर सब कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही मिलेगा, इसमें मेन स्पेसिफिक एज सच कुछ भी नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको। कुछ कंसिडरेबल डिस्कशंस हुए हैं साइंटिफिक के सर्कल्स के अंदर कि विटामिन डी की क्या इंपॉर्टेंस है इन दिनों के अंदर, स्पेशली कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। तो इंस्टा कॉन्सेप्ट ये जो इनसाइट की वेबसाइट है जहाँ से हम लोग ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उन्हीं का कुछ पैटर्न नया पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, विटामिन डी प्रोड्यूस कैसे होती है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो सनलाइट होती है ना, और या फिर जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, पर्टिकुलरली हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की बात करते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है 190 से 400 nm वेवलेंथ का, जब वो स्किन के ऊपर फॉल करता है तो एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होता है स्किन के अंदर, ठीक है। तो टू अ कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल, एक कोलेस्ट्रॉल बेस्ड मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होता है और कन्वर्ट कर देता है उस मॉलिक्यूल को कैल्सीडियोल के अंदर, ठीक है, लीवर में, और कैल्सीट्रॉल के अंदर किडनी में। ध्यान रहे, कैल्सीडियोल कहाँ पे होगा, लीवर में बन जाएगा, और कैल्सीट्रॉल कहाँ बनेगा, किडनी के अंदर, कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल का मतलब क्या है, फैट के अंदर सोल्यूबल मिल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है ऑयल्स के अंदर भी, और ये बॉडी के अंदर स्टोर रहता है लॉन्ग टाइम तक। वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन दे सकते हैं क्या विटामिन डी फैट सोल्यूबल है या नहीं है। फिर इसके रोल की बात करते हैं। अब ये बोन के अंदर जो बेसिकली कैल्शियम प्रोवाइड करना होता है ना, उसको प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है, और कैटलाइज करना, कैटलाइज करने का मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा देना, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको कैटलाइज करता है, उसको हेल्प करता है। फिर टिश्यूज़ के इन्फ्लेमेशन वगैरह होने से बचाता है, ठीक है, टिश्यूज़ को फाइबर में फॉर्म होने से बचाता है, बोन्स को वीक होने से, जब बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, ब्रिटल मतलब नाजुक हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, उससे भी बचाता है। तो फिर कंसर्न क्या है, कंसर्न है डेफिशिएंसी, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो अफेक्ट करती है कोविड-19 के हाई रिस्क पेशेंट्स को, पर्टिकुलरली वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको हार्ट कंडीशन है, जिनको निमोनिया है, जिनको ओबेसिटी है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और जो लंग की इंजरी होती है ना, वहाँ पर इसके कारण कुछ, इसके डेफिशिएंसी के कारण कुछ इन्फेक्शन भी देखे गए हैं। सप्लीमेंटेशन की नीड क्या है, देखो एक स्टडी के मुताबिक इंडिया एक अबंडेंट सनशाइन नेशन है, ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली सनशाइन नेशन होने के बावजूद भी यहाँ पर मैसिव बर्डन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, ठीक है। और इस इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, यानी कि अर्बन हो गया, लोकल हो गया, एज, जेंडर हो गया, गरीब है, अमीर है, कैसे भी हो, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा बर्डन है इंडिया के ऊपर। तो ये बहुत क्लियर है कि विटामिन डी का जो सप्लीमेंटेशन है वो बहुत नेसेसरी है मोस्टली इंडियंस के लिए, ताकि वो अपनी डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकें। तो फिर व्हाट नीड्स टू बी डन, गिवन जो डेफिसिट है विटामिन डी का, ये हाईली डिज़ायरेबल है गवर्नमेंट्स के लिए कि वो फॉर द गवर्नमेंट कि वो कंसल्ट करें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स को और इंस्टीट्यूशंस को, कि वो एडवाइस करें, सजेस्ट करें किस टाइप का न्यूट्रिटिव आइटम को ऐड कर सकते हैं हम लोग करंट जो फूड राशन है उसके अंदर गरीबों के लिए, और वो मील्स किस तरीके से स्कूल के बच्चों को दी जा सकती है जैसे मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर, ताकि उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ही कम करने में हमको हेल्प मिले। किसी भी केस के अंदर सप्लाई फ्री ऑफ चार्ज विटामिन डी और अदर विटामिन्स और कैल्शियम से, इन सब की कंसल्टेशन हो मेडिकल और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ कि किस तरह से डोजेस दिए जाने चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और बाकी की जो भी डिटेल्स होती हैं। इस तरह के स्टेप्स के साथ इंडिया विल हैव आर्म्ड इट्स पुअर अगेंस्ट नॉट जस्ट द करंट बट फ्यूचर पैंडमिक एज वेल। तो बेसिकली अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को इरेडिकेट करने में थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, तो नॉट जस्ट दिस प्रेजेंट कोविड-19 पैंडमिक, मे बी फॉर द अपकमिंग पैंडमिक्स वी विल बी एबल टू टैकल दम इन अ मोर बेटर वे। तो हाउ डू वी एक्वायर विटामिन डी, उसका फंक्शन क्या था, ये सब वही जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था। क्वेश्चन इसके मैंने देख लिए थे, सारे के सारे कवर हो चुके हैं। नाउ वी हैव मेक द राइट कॉल ऑन द मालाबार गोइंग क्वैड, दिस टॉपिक इज कवर अंडर बायलेटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने रिसेंटली डिस्कस किया था कि जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, जापान और यूएस है, उसमें वो लोग ऑस्ट्रेलिया को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल में होने वाली है इसके साल के एंड के अंदर। अभी ऐसा कोई डिसीजन पर नहीं पहुँचे हैं, तो ऐसा लेकिन ऐसा लग जरूर रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा इस बात को कि जो ऑस्ट्रेलिया है बहुत जल्दी अपने आप को इसमें क्वैड के अंदर ऐड कर लेगा। 2007 के बाद जो क्वैड के मेंबर्स हैं अब वो एक जॉइंट मिलिट्री में पार्टिसिपेट करेंगे, एम्ड
ऑस्टेंसिबली एट चाइना। ऑस्टेंसिबली वर्ड का मतलब है समझना बहुत नेसेसरी है, कीवर्ड की तरह से ही आप यूज़ कर सकते हो। ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या है कि ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है, ऐसा बताया नहीं जा रहा है, ऐसा जताया नहीं जा रहा है कि इसका एम चाइना की तरफ है, लेकिन इसका एम चाइना की तरफ है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको ऐसा किया जा रहा है। इंस्टा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, ये तो वाई इज़ चाइना कंसर्न अबाउट दिस क्वैड, चाइना को इसका क्वैड से प्रॉब्लम किया इस तरह की डेवलपमेंट के साथ। देखो बीजिंग ने बहुत टाइम से अपोज़ किया है कि इस तरह की डेमोक्रेसीज का इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कोलिशन होने से, कोलिशन मतलब मिलाप होना, इकट्ठा होना, तो वो इस मैरीटाइम क्वाड्रिलेटरल को एक एशियन नेटो की तरह देखता है, ठीक है, जिसको एकमात्र गोल हो सकता है चाइना को कंटेन करना, राइजिंग चाइना को कंटेन करना, ऐसा चाइना का मानना है। ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ इंडिया के जो टाइज़ हैं वो चाइना के साथ स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब खिंचाव तनाव में है, बायलेटरल मतलब दो तरफा है, तो इंडिया की इंटेंशन कि ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करना मालाबार ड्रिल के अंदर, ये एक ऐसा एक इनडायरेक्ट मूव है इंडिया का, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड है बीजिंग की तरफ, चाइना की तरफ। लेकिन इंडिया के लिए भी चैलेंजेस तो आएंगे ही। एक स्टैंड ऑफ था अभी रिसेंटली लद्दाख के अंदर, और बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि द टाइम इज़ वेरी राइट फॉर इंडिया कि वो अपनी ट्रेडिशनल डिफेंसिवनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को शेड करें, को गिरा दें, और मैरीटाइम के अंदर, मैरीटाइम जो मैरीन एरिया जिसमें एक डोमेन दिखाएं, एक डोमिनेट करें उसको। तो बेसिकली बात ही इंडिया की हमेशा से एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच रही है, ठीक है, और इंडिया हमेशा डिफेंसिव रहा है अपनी डिप्लोमेसी को लेकर, अपनी मिलिट्री वगैरह को लेकर। इंडिया ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, इंडिया जाकर हर किसी को परेशान भी नहीं करता है, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की टू मच ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच इवन हमारी ट्रेड के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, जिसके कारण इंडिया को खुद को नुकसान भी हो रहा है, तो कुछ चीज़ों के अंदर इंडिया को थोड़ा सा हल्का सा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, नॉट टू हार्म समबडी बट टू शो दैट वी आर नॉट एट द वीकर साइड, ठीक है। ये कुछ एनालिस्ट वगैरह का कहना है। जो रियलिस्ट एडवोकेट हैं वो करते हैं कि एक अलायंस US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर बहुत ही सपोर्टिव मेजर होगा। हाउएवर इस तरह से चाइना के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने से और अपने मूव को, अपने आप को एक्सपैंड करने से, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनटू द एंटायर इंडियन ओशियन रीजन एंड साउथ पैसिफिक, इंडिया में भी रिस्किंग हार्श कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरीके से अपना डोमेन दिखाना, ठीक है, और मैरीन रीजन के अंदर अपनी डोमिनेशन को बढ़ाना एंड फर्दर डेमोक्रेसी के साथ स्पेशली पैसिफिक रीजन के अंदर इस तरह की एक्सरसाइज करना, इसके हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हो सकते हैं इंडिया के लिए। कैसे? At the time in India and China are negotiating a truce on the border in the eastern Ladakh, New Delhi's invitation to Australia to participate in the Malabar exercise sends contrary signals to Beijing. यानी कि इंडिया एक साइड तो लद्दाख के अंदर एक पीसफुल टॉक की बात कर रहा है कि दोनों तरफ से एक स्टैंड ऑफ किया जाएगा, लेकिन दूसरी साइड ही वो पैसिफिक रीजन के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर चाइना को ही एक सिग्नल दे रहा है दैट समथिंग इन फ्यूचर वी आर नॉट वीक, वी आर मिलिट्री वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इफ यू टेक एनी स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड इंडिया इज़ रेडी टू टेक सपोर्ट फ्रॉम दी अदर डेमोक्रेसीज एज वेल। अगर चाइना ने रिस्पॉन्ड किया चर्लिशली इस एग्रेसिव पॉस्चरिंग का ईस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर, तो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का, बेसिकली पैसिफिक रीजन के अंदर। इसके बिसाइड जो कॉपरेशन है US और जापान के साथ विदाउट अटेंडेंट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल नॉट इम्प्रूव द इंडियन नेवीज डिटरेंस पोटेंशियल इन द इंडियन ओशन रीजन। वो ये कहना चाह रहा है कि US और जापान के साथ बिना एक स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के किए बिना, टेक्नोलॉजी को शेयर किए बिना, स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी को शेयर किए बिना इस तरह की एक्सरसाइज करने का भी कुछ खास पॉइंट होने वाला नहीं है, इंडिया को कुछ खास फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अगर हम ऑपरेशन टर्म्स की बात करते हैं तो ये बहुत प्री मैच्योर होगा इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए, कि इस तरह का मल्टीलेटरल एंगेजमेंट को इनिशिएट करें, ठीक है, क्वाड पार्टनर्स के साथ। अभी क्वाड पार्टनर्स कौन है? वही चारों, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और विद द स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट बिटवीन US एंड चाइना इन द ईस्ट एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया हॉटिंग अप, देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी डेट दिस मिलिट्री क्वाड विल बी यूज टू ड्रॉ इंडिया इन टू द सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ द एशिया पैसिफिक। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? नई दिल्ली को साइन अप नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट विदाउट अ कॉस्ट बेनिफिट एक्सरसाइज, यानी कि यू नीड टू सी हमको बेनिफिट क्या होगा, हमको लॉस क्या होगा, ठीक है, एंड कमेंसुरेट गेन्स इन द स्ट्रेटजिक ऑपरेशनल प्लान। हमको इस स्ट्रेटजिक प्लान के अंदर गेन क्या होने वाला है, सबसे बड़ी बात ये कि क्या इंडिया का ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फर्दर कोई कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे हमारे, ठीक है, इन सबको एक प्रॉपर स्टडी की जानी चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए। What might appear politically sensible could be operationally imprudent, ठीक है, basically कहना ये चाह रहा है कि जो चीज़ हमको अभी दिखाई दे रही है कि politically बहुत ठीक जा रही है, लेकिन इसका militarily और इसका strategically और operationally और even economically बहुत ही harsh results हो सकते हैं इसके।
इंस्टा फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन के अंदर आता है जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार एक्सरसाइज जो है एक नेवल एक्सरसाइज थी, इंडिया यूएस के बीच स्टार्ट हुई थी 1992 के अंदर, फिर उसको ट्राइलेटरल बना दिया गया था जब इसमें जापान को ऐड किया गया था 2015 के अंदर। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, व्हाई अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ। दिस टॉपिक इज कवर अंडर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट दिस टॉपिक फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। बिल्कुल दो दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक को विजन की मंथली कंपाइलेशन के लिए और ज़्यादा डिटेल में कवर किया था। आई वॉज रीडिंग गोइंग थ्रू दिस टॉपिक एंड देन आई रियलाइज कि इट्स द सेम थिंग एंड उसमें ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैंगी बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल टॉप के ऊपर विजन की पॉलिटी का जून का फर्स्ट वीडियो जो है उसमें अपलोड कर दूंगा। एंड आई थिंक फर्स्ट टॉपिक ही यही है, वहाँ पर कुछ 15-20 मिनट के अंदर इसका लंबा एक्सप्लेनेशन है बहुत एडिशनल डिटेल के साथ। तो ये टॉपिक यहाँ पे करने के बजाय आप डायरेक्टली वहीं से कीजिए। आई वॉज थिंकिंग कि मैं उस वीडियो को यहाँ पर प्लेस कर दूँ, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है ना वीडियो कट करके प्लेस करने का, छोटा होता तो मैं कर देता, 10-15 मिनट से ऊपर का है वो टॉपिक पूरा का पूरा डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये सब वहाँ पर और डिटेल में है, फर्दर डिटेल में, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। बिल्कुल डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू सोलर ऑर्बिटर, जीएस पेपर 3 का है ये, अवेयरनेस इन स्पेस के अंदर। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने क्लोजेस्ट पिक्चर अभी तक की जो ली गई है सन की उसको रिलीज़ किया है, और किसने लिया था, सोलर ऑर्बिटर ने, जिसको फरवरी में लॉन्च किया गया था। ध्यान रहे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा नहीं है यहाँ पर। इस स्पेसक्राफ्ट ने एक पहला क्लोज पास जो सन का है वो कंप्लीट किया है मिड जून के अंदर। ठीक है, जब ये 48 मिलियन माइल्स सन के पास से गुजरा था, और 10 इंस्ट्रूमेंट्स थे जिन्होंने इस तरह का स्नैप लिया है, क्लोजेस्ट पिक्चर लिया है जाइंट स्टार का, आज तक की डेट का, टू डेट का। जाइंट स्टार मतलब सन की बात कर रहे हैं, आज तक की डेट का सबसे क्लोजेस्ट पिक्चर लिया गया है। ऑब्जर्वेशन क्या ली गई है इन इमेजेस के साथ, उन्होंने कहा कि कुछ मिनी फ्लेयर्स हैं सन के ऊपर, साइंटिस्ट उनको कैंप फायर्स बुला रहे हैं। साइज़ की अगर बात करते हैं तो कैंप फायर जो मिलियंस ऑफ साइज़ की हैं सन के मैसिव फ्लेयर्स, जो कि रूटीनली ऑब्जर्व किए जाते हैं अर्थ के टेलीस्कोप्स के द्वारा। अब ये जो स्मॉल फ्लेयर्स हैं ना, इनका कुछ तो लेना देना है उसके हीटिंग प्रोसेस के साथ जो कोरोना को फॉर्म करता है। कोरोना क्या है, सन का आउटर एटमॉस्फेयर, ध्यान रहे अपर लेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर, जैसे अर्थ का भी एटमॉस्फेयर है उसी तरह सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको कोरोना बोलते हैं। अब सन का जो एटमॉस्फेयर है वो उसके सरफेस से भी ज़्यादा हॉट है। यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द सन। ठीक है, ये एक किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा थर्मोमीटर है, क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंस्टा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, एक लार्ज एक्सप्लोजन होता है मैग्नेटिक एनर्जी का सन के एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके कारण बहुत इंटेंस बर्स्ट होता है और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती हुई। फ्लेयर जो है वो एक्टिव रीजन्स में होते हैं सन स्पॉट्स के अराउंड। ठीक है, सन स्पॉट्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार पिक्चर में दिखाता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ एक बार पहले। ये देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सन है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको सन स्पॉट, ये होते हैं सन स्पॉट, ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक से, ये सन स्पॉट्स होते हैं ये। ऑलराइट, कहाँ गया, अरे यार ऐसे गुम हो जाता है टॉपिक, हाँ मिल गया। सोलर फ्लेयर्स के दौरान जो सन है ना वो बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर एनर्जी पार्टिकल्स रिलीज़ करता है जो सोलर विंड को एनहेंस कर देते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली निकल रही होती है स्टार के अंदर से और अपने सराउंडिंग स्पेस में जा रही होती है। ये जो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के साथ, ठीक है, उसके कारण एक मैग्नेटिक स्टॉर्म फॉर्म होता है जो अर्थ के टेलीकम्युनिकेशन को, इवन पावर ग्रिड वगैरह को डिस्टर्ब कर देता है, कर सकता भी है, कर भी देता है। कोरोना क्या है, जो सोलर कोरोना है वो आउटर मोस्ट लेयर है सन के एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, एक्सोस्फेयर है। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर हमारा सबसे आउटर में आता है। ठीक है, तो सोलर का जो कोरोना होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है सन का, जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक होता है आउटर स्पेस के अंदर। इसका जो टेम्परेचर है वो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, विच इज़ ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड विच इज़ हॉटर देन द सर्फेस ऑफ द सन। अर्थ का जो सर्फेस है वो कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस के पास, उसके भी ऑर्डर में है वो, ध्यान रहे। आफ्टर मैनी डेकेड्स ऑफ स्टडीज, जो फिजिकल मैकेनिज्म है जो हीट करता है कोरोना को, वो अभी तक फुली अंडरस्टैंड नहीं आ पाया कि अर्थ का जो सन का जो एटमॉस्फेयर है वो उससे ज़्यादा गर्म क्यों है, ये अभी तक समझ में आ नहीं पाया। लेकिन बट आइडेंटिफाइंग तमीन, सबको आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक होली ग्रेल होगा सोलर फिजिक्स का। होली ग्रेल का मतलब क्या हुआ, होली ग्रेल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ बींग वेरी एक्सट्रीमली सॉट आफ्टर, किसी चीज़ के पीछे जब आप बहुत समय से लग रहे होते हो ना, एंड फाइनली यू डू दैट, फाइनली यू फाउंड दैट, तो समथिंग लाइक दैट। ये ऐसी चीज़ है कि सन के कोरोना का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा क्यों होता है, वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई।
सोलर ऑर्बिटर मिशन क्या था? सोलर ऑर्बिटर स्पेस मिशन जो है ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और नासा का। ध्यान रहे, स्पेसक्राफ्ट तो इसको लॉन्च किया गया था केप कैनेवरल से एक यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट के अंदर फरवरी 2020 में। और ये फर्स्ट मीडियम क्लास मिशन है ईएसए के कॉस्मिक विजन का 2015 से लेकर 2025 के प्रोग्राम का। ये पहला मिशन है जो इमेजेस प्रोवाइड करेगा सन के नॉर्थ और साउथ पोल की। इसमें 6 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ऑन बोर्ड जो कैप्चर करेंगे स्पेसक्राफ्ट के व्यू को। एक 7 ईयर्स का मिशन है जो कि अर्थ के 26 मिलियन माइल्स तक जाएगा। एंड इट विल बी ब्रेव दैट द इट विल बी एबल टू ब्रेव द हीट ऑफ द सन बिकॉज इट हैज़ अ कस्टम टाइटेनियम हीट शील्ड। मतलब ये जो डिवाइस है पूरा का पूरा जो ऑर्बिटर है इसकी जो शील्ड है वो टाइटेनियम। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये वाला पार्ट, टाइटेनियम हीट शील्ड है जिसको कैल्शियम फॉस्फेट से कोट किया गया है ताकि वो टेम्परेचर जो है ना 970 डिग्री फारेनहाइट तक का टेम्परेचर एंड्योर कर सकती है। सोलर ऑर्बिटल जो है वो आंसर करेगा टॉप 4 साइंस लेवल के क्वेश्चन, जैसे कि ये 4 सवाल इन सब के जवाब देने में हेल्प मिलेगी हमको। व्हाट ड्राइव्स द सोलर विंड एंड वेयर डज द कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाउ डू द सोलर ट्रांजिट्स ड्राइव हेलियोस्फेरिक वेरिएबिलिटी। थर्ड इज, हाउ डू सोलर इरप्शंस प्रोड्यूस एनर्जेटिक पार्टिकल रेडिएशन दैट फिल्स द हेलियोस्फेयर। हाउ डज द सोलर डायनेमो वर्क एंड ड्राइव कनेक्शंस बिटवीन द सन एंड द हेलियोस्फेयर। कुछ इंस्टा फैक्ट्स देख लेते हैं। 19 ESA मेंबर स्टेट्स, ध्यान रहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 19 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन के कितने हैं, यूरोप के कितने हैं, इनमें सबमिट आपको काउंट्स पता होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, आयरलैंड, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। सोलर ऑर्बिटर जो है ना वो ओलाइसिस स्पेसक्राफ्ट को फॉल्ट के थ्रू है और उसके जो दूसरा कोलैबोरेशन है वो है ईएसए और नासा का जो लॉन्च किया गया था 1990 के अंदर। प्रीलिम्स क्वेश्चन में अबाउट मर्चिसन वाइल्ड फील्ड एरे रेडियो टेलीस्कोप, रेडियो वेव्स क्या होती हैं और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हमने देख लेंगी। अच्छा, सन के लेयर्स वाला क्वेश्चन एक रह गया था यहाँ पर, कहाँ गया, थर्ड, डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन, तो इसी में गिवन है, यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना फोटोस्फेयर, कोरोना, कोरोना की तो हमने बात की थी, आउटर सरफेस होता है सन के एटमॉस्फेयर का। मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, लुक्स लाइक ओके। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कोरोना, ये सन का आउटर सरफेस है, ठीक है। अभी कोरोना सन के सरफेस से इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है, इसी फीचर को फाइंड आउट करने की बात की जा रही है, ये क्यों है ऐसा। देन वी हैव क्रोमोस्फेयर, ठीक है, ये सनस्पॉट मैंने आपको दिखा रहे थे। अभी फोटोस्फेयर दिख रहा है, क्रोमोस्फेयर के नीचे का लेयर है ये फोटोस्फेयर, ध्यान रहे आप लोगों को। ये है कोरोनल होल, इस टाइप के होंगे यहाँ पर। कोर आपको दिख गया, कोर जैसे अर्थ का भी एक कोर होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। दिस इज रेडिएटिव जोन, यहाँ से रेडिएशन की तरह हीट निकलती है। और ये है कन्वेक्शन जोन, यहाँ पर हीट कन्वेक्शन की फॉर्म में होती है। और ये इस तरह की जो आपको दिख रही है ना चीज़ें, इन्हें प्रोमिनेंस बोला जाता है। तो ये आइडिया होना चाहिए, इसमें इतना डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आइडिया होना चाहिए एक बहुत बेसिक सा आप लोगों को इस चीज़ के बारे में। MWA रेडियो टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं, एक लो फ्रिक्वेंसी का रेडियो टेलीस्कोप है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑलराइट। और ये फ्रंट एंड है MWHA, इसमें 4096 स्पाइडर लाइक एंटीनाज अरेंज किए गए हैं 256 रेगुलर ग्रिड्स के ऊपर, जिनको टाइल्स बोला जाता है। और ये सेवरल किलोमीटर्स तक स्प्रेड है, कहाँ पर, एक मर्चिसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है। मैं आपको पिक्चर्स में दिखा देता हूँ किस तरीके से ये दिखाई देता है, तो आपको समझने में आसानी होगी। इस तरीके से कुछ ऐसे एंटीनाज वगैरह अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियो वेव्स क्या होती हैं। रेडियो वेव एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसकी जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वो इंफ्रारेड लाइट से ज़्यादा लॉन्गर होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी का आपको आइडिया होना चाहिए, 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये हाईएस्ट हो सकता है और लोवेस्ट होती है 30 हर्ट्ज़ तक। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है रेडियो वेव का, वो इस तरीके से मूव करता है कुछ। यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट दिस। वी हैव नाउ असम फ्लड्स, दिस इज कवर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज असम के अंदर कॉन्टीन्यूसली फ्लड का डिजास्टर आता रहता है, ठीक है। और ये एक एनुअल कैलेमिटी बन गया है, ठीक है, हर बार हर साल होने वाली एक ऐसी आपदा बन गया है। तो असम के अंदर जो मेजर फ्लड्स आते हैं वो हर साल आते हैं, हर बार उसमें बहुत सारी लाइव्स का लॉस्ट होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ पीपल वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं, विलेजेस, क्रॉप, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस साल 85% जो एरिया है काजीरंगा का वो सबमर्ज हो गया है, डूब रहा है फ्लड के अंदर। अब
हाउ बैड इज़ द करंट फ्लड, यानी कि पिछले वाले कुछ फ्लड से इस बार की जो फ्लड है वो थोड़ी सी ज़्यादा नुकसानदायक कैसे है। जो फ्लड्स हैं वो रेगुलरली एनुअल फीचर हैं असम का, ठीक है। कुछ ईयर्स के अंदर कभी कभी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा देखा गया था, स्पेशली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन लाइव्स के बारे में, तो 1988, 1998, 2004 वो काफ़ी वर्स्ट थे। 2004 का जो फ्लड था उसने 12.4 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था, ठीक है। 251 पीपल डाइड आउट देयर। करंट वेव जो फ्लड की है उसने 57 लाख पीपल को, ठीक है, यानी कि 5.7 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अभी इसका वर्स्ट पार्ट जो है ना वो अभी भी आना बाकी है। तो असम के अंदर फ्लड्स इतने कॉमन क्यों हैं? पहली बात, ब्रह्मपुत्र वहाँ पर ब्रेडिड है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही मेजरली एरियाज़ के अंदर वहाँ ब्रह्मपुत्र वहाँ से पास ऑन करती है। अगर मैं आपको मैप दिखा दूँ यहाँ पर तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। ये जो आपको थोड़ा सा सबसे डार्क, सबसे जो ग्रीनेस्ट पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, ये मोस्टली डिब्रूगढ़ वाला हो गया, इधर ईटानगर तो ऊपर हो गया है। ये आप ईजन देखो, यहाँ से पूरा का पूरा हमारा ये ब्रह्मपुत्र पास कर रही है, आपको ब्रह्मपुत्र देखने की ज़रूरत है। तो ये ऑलमोस्ट पूरे के पूरे असम के मिड से पास कर रही होती है। फिर इसके ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं बहुत सारी, ठीक है, इसी कारण सो ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर फ्लड बहुत कॉमन है। अगर हम बात करते हैं हाई परसेंटेज ऑफ फ्लड प्रोन एरिया, तो टोटल 78.5 लाख हेक्टेयर एरिया जो है स्टेट का, उसमें से 31 लाख तो सिंपली फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ तो फ्लड आने के चांसेस ही वैसे बहुत हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो रीजंस हैं बिहाइंड दिस हाई फ्लड प्रोन के, वो है कि मैन मेड और नेचुरल स्ट्रक्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सबके कारण। अर्थक्वेक लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो असम और उसके आसपास के जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो सारे के सारे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। वो लैंडस्लाइड से अर्थक्वेक से जो भी डेब्री होता है, जो भी वो मलबा होता है, वो सारा का सारा रिवर बेड में जाकर गिरता है, जिसके कारण पानी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। फिर हम कहते हैं बैंक्स का भी इरोजन हो रहा होता है, ठीक है। असम के अंदर जो बैंक्स होते हैं ना किनारे वगैरह, ब्रह्मपुत्र वगैरह के, बराक रिवर के, इन सब के जो ट्रिब्यूटरीज हो गई एंड एवरीथिंग, ये एस्टिमेट किया जाता है कि एनुअली नियरली 8000 हेक्टेयर का जो लैंड होता है ना वो इरोज कर जाता है वहाँ पर। ऑलराइट, बैंक इरोजन के कारण जो विड्थ है ब्रह्मपुत्र रिवर की वो इंक्रीज़ हो गई है 15 किलोमीटर तक। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र का जो बैंक है वो 15 किलोमीटर वाइड तक भी जाता है। फिर हम बात करते हैं डैम्स कैसे अफेक्ट करते हैं। जो मैन मेड रीजंस होते हैं उसमें की कोज जो होता है फ्लड्स का, वो होता है कि डैम्स वगैरह से वाटर को रिलीज़ कर देना, ठीक है, जो एनीवे अप हिल के अंदर सिचुएटेड है। अब डैम से वाटर रिलीज़ करना पड़ेगा अगर डैम के पीछे अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया तो, बिकॉज अगर आपने वाटर रिलीज़ नहीं किया तो डैम ब्रेक हो जाएगा और वो और भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि हर एक डैम की कैपेसिटी होती है, उसके बियॉन्ड तक उसमें वाटर स्टोर नहीं कर सकते हो। फिर अनरेगुलेटेड रिलीज़ होता रहा होता है वाटर फ्लड्स का असम के प्लेन्स के अंदर, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो होमलेस हो जाते हैं हर साल। गुवाहाटी की टोपोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो उसकी शेप जो है ना पूरी टोपोग्राफी की एक बॉल की तरह, कटोरे की तरह है, तो जिसके कारण वाटर लॉगिंग यानी कि पानी का जमना वहाँ पर बहुत ही ईजी बात है। अनप्लैंड एक्सपेंशन हो रहा होता है अर्बन एरियाज़ का, इनक्रोचमेंट्स हो रही होती है वेटलैंड्स वगैरह की, लो लाइंग एरियाज़ की, ठीक है, जिसके कारण फॉरेस्ट कवर जो है वो भी श्रिंक करता जा रहा है। अब फॉरेस्ट कहीं ना कहीं फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट के कारण क्या होता है, तो सोइल का इरोजन नहीं होता, फिर फ्लड का जो फ्लो होता है ना उसको कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो। फिर रिवर भी अपना कोर्स जो है फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती है, ठीक है, तो ये एक वर्चुअली इम्पॉसिबल है कि उसके जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर पाना। जो प्रेशर है सर्जिंग वाटर्स का वो उसके आसपास की हर एक दीवारों को इम्पैक्ट करता रहता है। अब गवर्नमेंट ने इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या ट्राई किया है और वो फेल कहाँ हुआ है? फ्लड्स जो हैं वो एक रिकरेंट फीचर्स है वहाँ पर, मॉनसून के अंदर वो आती ही रहती हैं असम के अंदर। इनफैक्ट जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो फ्लड वाटर है वो हिस्टोरिकली रिजुविनेट करता है क्रॉपलैंड्स को और फर्टिलाइज करता है सॉइल को स्टेट के एलुवियल एरियाज को। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि मोर देन 60 ईयर्स यानी कि 60 साल से भी ज़्यादा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला कि जिस तरह से इस तरह का जो पानी का बहाव है उसको कंट्रोल किया जा सके। स्टेट जो है वो प्राइमरीली रिलाई करता है एम्बैंकमेंट्स के ऊपर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब ये जो फ्लड कंट्रोल मेजर्स हैं इंट्रोड्यूस किए गए थे असम के अंदर 1950 के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम हाइड्रोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ वाटर जो थी मोस्टली इंडियन रिवर्स के बारे में, उसमें ब्रह्मपुत्र की भी बात की गई थी, उसको ढंग से समझा नहीं गया, नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। लेकिन सेवरल ऑफ द स्टेट्स एम्बैंकमेंट्स, ठीक है, जो रिपोर्ट किया गया था कि उनको ब्रीच कर जाता है फ्लड का वाटर, इस बार भी ऐसा ही हुआ है, फ्लड वाटर ने उन एम्बैंकमेंट्स को अभी भी ब्रीच कर दिया है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिवर वाटर को स्टडी करना, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चल जाए कि स्टेट जो है वो हर बार फ्लडेड क्यों होता है
और ढंग से पता चलेगा। वाटर फ्लो की जो इन्फॉर्मेशन है जो चाइना शेयर करता है ब्रह्मपुत्र के बारे में इंडिया से, इंडिया उसके रिगार्डिंग पे करता है कुछ अमाउंट, ठीक है, उसको पब्लिक के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो पब्लिक को रिवर के फ्लो वगैरह के बारे में, रिवर के वाटर राइज के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देन वी नीड टू हैव ए मोर एक्यूरेट एंड डिसेंट्रलाइज फोरकास्ट ऑफ रेन, रेन फोरकास्ट डिसेंट्रलाइज फॉर्म के अंदर, जिसके कारण प्रिपेयर्डनेस में इंप्रूवमेंट करने में हेल्प मिलेगी। जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो अवेलेबल कराई जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ठीक है, और वो पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो इस तरह की मेजर्स की नीड क्या है, हमने ये तो बता दें कि क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसे मेजर्स की नीड क्या है। जो असम की इकोनॉमी है ना वो बहुत लार्जली डिपेंडेंट है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट जो है उनके ऊपर एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, इवन उनका एक डायरेक्ट इफेक्ट है लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर, ठीक है। तो फ्लड्स के कारण जो वाटर कंटेमिनेट होता है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, वो वाटर रिसोर्सेज को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जिसके कारण फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है समर के अंदर स्पेशली अगर हम बात करें तो। दैट्स इट 21 जुलाई के इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है ज्योतिराव फुले, सेकेंड इज़ वॉट इज़ प्ली बार्गेनिंग एंड हाउ डज इट वर्क, थर्ड इज़ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, फोर्थ इज़ मेगा फूड पार्क, फिफ्थ इज़ वॉट इज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ CHADOX1 COVID-19 वैक्सीन, एंड सिक्स इज़ रेज इनिशिएटिव। अंडर टॉपिक ज्योतिबा राव फुले वी विल बी कवरिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज। अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस टॉपिक इज दिस वन, दिस इज कवर अंडर GS टॉपिक पेपर वन। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्लेम किया है कि उन्होंने 83% जो एलिजिबल फार्मर्स थे उनका लोन वेव ऑफ कर दिया है, विच कम्स अंडर महात्मा ज्योतिराव फुले क्रॉप लोन वेवर स्कीम, जिसका टोटल अमाउंट है 17,646 करोड़। इस स्कीम के की फीचर्स क्या हैं, ये 2019 के दिसंबर में अनाउंस किया गया था। इसका एम था कि जो क्रॉप लोन्स हैं अप टू ₹2 लाख, जो कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 तक लिए गए थे और वो 30 सितंबर 2019 तक रिपे नहीं किए गए थे, उनको वेव ऑफ कर देना, राइट ऑफ कर देना। हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानना है स्कीम के बारे में, प्रीलिम स्पेसिफिक है स्कीम, एंड इसके अलावा हमको जो जानना है वो ज्योतिराव फुले के बारे में, जो ये हिस्ट्री पार्ट कवर करता है। ही वॉज बोर्न इन 1827 सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के। और अच्छा, सतारा के बारे में मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। 1850 के आसपास की ही कुछ बात है, 1850-1860 के आसपास सतारा डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पर किसी तरह का कोई लॉ लागू गया था, कोई प्रोविजन सेटअप किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। वो क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए, इट विल शो कि आपने एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट ढंग से किया है। पॉलिटी में भी ये मैंशन था और ये बात हिस्ट्री में भी मैंशन है, सतारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट था। ड्यूरेशन मैंने बता दिया है, अंग्रेज़ों ने कुछ लगाया था, कुछ एरिया इसमें स्टार्ट किया था, कोई लॉ प्रोविज़न क्या था वो आपको मुझे बताना है। आंसर सतारा था, लेकिन वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो आपको मुझे बताना है। तो ज्योतिराव फुले का जन्म 1827 में हुआ था सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, एंड ही वॉज द गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा 11 मई 1888 को। किसने दिया था टाइटल, विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने, जो कि महाराष्ट्र के ही एक सोशल एक्टिविस्ट थे। अब ज्योतिराव फुले ने एक सोशल रिफॉर्म्स किए थे, तो उनके कुछ की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में देख लेते हैं। उनका जो मेजर फोकस था काम का वो था हाउ टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, ठीक है, एम्पावरमेंट देना विमेन को, ठीक है, इमेंसिपेशन उनका, प्लस में हिंदू फैमिली लाइफ को रिफॉर्म करना। उनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले, एंड दे आर रिगार्डेड एज द पायनियर्स ऑफ विमेंस एजुकेशन इन इंडिया। पायनियर वर्ड का मतलब होता है अग्रणी, नेता, ठीक है। तो विमेन एजुकेशन को लेकर उनको इंडिया में एज अ पायनियर कंसिडर किया जाता है। जो कपल्स थे देवर द फर्स्ट नेटिव इंडियंस जिन्होंने पहला इंडिजियसली रन स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए इंडिया में, 8 अगस्त 1848 के अंदर, कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। बाद में फुलेज ने एक स्कूल स्टार्ट किया था चिल्ड्रन के लिए जो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, जैसे कि महर और मंग इन कास्ट से बिलोंग करते थे। 1863 के अंदर उन्होंने एक होम ओपन किया था फॉर द प्रेग्नेंट ब्राह्मिन विडोज टू गिव बर्थ इन अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस, ठीक है, एंड ही ओपन एन ऑर्फनेज होम टू अवॉइड इन्फेंटिसाइड। और इसी रिगार्ड के अंदर उनका ये बिलीव था दैट टू बी द फर्स्ट हिंदू, दैट इट वॉज ही इज़ बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट हिंदू जिन्होंने एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया था अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन के लिए। 1868 के अंदर ज्योतिराव ने एक कॉमन बेदिंग टैंक कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, अपने ही घर के बाहर, ताकि जो टू एम्ब्रेस द एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स एंड विश टू डाइन विद एवरीवन, सबको एक साथ एक समाज में बांधने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल सेटअप किए थे अपने ही फैमिली के अंदर, अपने ही लोगों के आसपास के लिए एक ऐसा टैंक बिल्डअप किया था जहाँ पर सभी उसमें बात ले सकते हो, सबके साथ मिलकर डिनर करना, खाना खाना,
इस तरह के उनके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। 1873 के अंदर फूले ने सत्यशोधक समाज जो कि सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है, और ये हिंदी टू इंग्लिश ये ट्रांसलेशन है, फॉर द राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, एंड डिनाउंस द कास्ट सिस्टम और रैशनल थिंकिंग को स्प्रेड करने के लिए। उनके कुछ फेमस वर्क्स थे जैसे तृतीय रत्न हो गया 1855 में, गुलामगिरी, ठीक है, शेटकर असौद और कल्टिवेटर्स विप कोड हो गया, सत्यशोधक समाज समाजोक्त और मंगल अष्टक सर्व पूजा विधि 1887 का, ये आपको पता होने चाहिए, प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। और ये सारे के सारे कवर हो चुके हैं। नाउ वी हैव व्हाट इज़ अ प्ली बार्गेनिंग एंड हाउ डज इट वर्क। दिस टॉपिक इज कवर अंडर जीएस पेपर 2, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। रिड्रेसल मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था, डिस्प्यूट का मतलब तो समझते होंगे, ठीक है, रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण करना, किसी भी डिस्प्यूट का निवारण करना। तो बहुत सारे मेंबर जो हैं तबलीगी जमात के जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको रिलीज़ मिल गया कोर्ट केसेस से रिसेंट डेज के अंदर बाय मीन्स ऑफ प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग होता क्या है, इट रेफर्स टू, देखो इस तरह की डेफिनेशन को ना एक बार पूरा पूरा समझा करो, ठीक है, ऐसी डेफिनेशन आपको बहुत टेक्निकली पता होने चाहिए इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो एक बार पहले पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू अ पर्सन चार्ज विद अ क्रिमिनल ऑफेंस नेगोशिएटिंग विद द प्रोसिक्यूशन फॉर अ लेसर पनिशमेंट देन व्हाट इज प्रोवाइडेड इन लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी टू अ लेस सीरियस ऑफेंस। बेसिकली आपको किसी पर्टिकुलर केस के अंदर कोई हार्श पनिशमेंट मिली हो तो यू प्ली, यू रिक्वेस्ट, यू बेसिकली यू रिक्वेस्ट देम कि मेरे को थोड़ी सी पनिशमेंट, मेरी हार्शनेस जो पनिशमेंट की वो कम कर दी जाए। प्राइमरीली इसके अंदर एक प्री ट्रायल नेगोशिएशंस होता है एक्यूज्ड का, एक्यूज्ड का मतलब होता है जिसको दोषी करारा गया है, दोषी मतलब ठहराया जा रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है बेसिकली, और जो प्रोसिक्यूटर होता है जैसे कि ऑफिशियल्स हो गए, कोर्ट वाले हो गए, ये सब। तो इसमें बार्गेनिंग होती है, ठीक है, कि किस तरह का चार्ज लगाया गया है और जो क्वांटम है सेंटेंस का उसके रिगार्डिंग। कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, प्ली बार्गेनिंग इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 के अंदर, ठीक है, ये एक सेट ऑफ अमेंडमेंट्स था सीआरपीसी का चैप्टर 21A के अंदर, जो सेक्शन 265A से लेकर 265L तक। किस सरकमस्टांसिस के अंदर ये अलाउ है और ये काम कैसे करता है, इंडिया के अंदर जो प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस ही इनिशिएट किया जाता है अक्यूज़ के द्वारा, यानी कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वही इसको इनिशिएट कर सकता है। अक्यूज़ को अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, वो अपने जो बेनिफिट ऑफ बार्गेनिंग है उनको इन्वोक करता है, एप्लीकेंट स्टेट करता है कि ये एक वॉलेंट्री प्रेफरेंस है और ही हैज़ अंडरस्टूड द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन लॉ फॉर द ऑफेंस, उसको समझ में आ गया है। कोर्ट फिर एक नोटिस इशू करता है प्रोसिक्यूटर को और जो कंप्लेनेंट होता है और विक्टिम होता है, ठीक है, एक हियरिंग के लिए। जो वॉलेंट्री नेचर होती है एप्लीकेशन की उसको असर्टेन किया जाना चाहिए जज के द्वारा कैमरा हियरिंग के अंदर, इसकी जिसके अंदर जो अदर साइड होती है उनको प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो कोर्ट है वो परमिशन देता है प्रोसिक्यूटर को, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है और जो विक्टिम होता है, कि एक मीटिंग करें वो, ठीक है, और सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होना चाहिए इस केस का। आउटकम के अंदर एक पेमेंट ऑफ कंपनसेशन यानी कि मुआवजा भी दिया जा सकता है, पैसे भी दिए जा सकते हैं, और बाकी खर्चे जो होते हैं जो कि विक्टिम को यानी कि जिसके ऊपर कुछ अत्याचार हुआ था जो भी हुआ था उसको बाय द एक्यूज जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया उसके द्वारा। अगर म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन हो जाती है तो कोर्ट फॉर्मलाइज करता है और अरेंजमेंट्स किए जाते हैं बाय वे ऑफ ए रिपोर्ट साइन की जाती है सभी पार्टीज़ के द्वारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। जो एक्यूज्ड होता है, ठीक है, उसको मे बी सेंटेंस टू अ प्रिजन टर्म दैट इज़ हाफ द मिनिमम पीरियड फिक्स फॉर द ऑफेंस, यानी कि उस पर्टिकुलर एक सज़ा के लिए जो पीरियड दिया गया था उसका मिनिमम जो हाफ होता है उस तक का उसको टाइम प्रिजन में निकालना पड़ता है। अगर कोई मिनिमम टर्म प्रिस्क्राइब नहीं है तो सेंटेंस जो है वो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस जो भी स्टिपुलेटेड है लॉ के अंदर उतना हो जाता है। केसेस कौन से होते हैं जहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस अलाउड और लिमिटेड है, ओनली समवन हु हैज़ बीन चार्ज शीटेड फॉर एन ऑफेंस दैट डज नॉट अट्रैक्ट द डेथ सेंटेंस। ऐसा कोई केस जहाँ पर डेथ सेंटेंस ना दिया गया हो वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है, या फिर लाइफ सेंटेंस दिया गया हो या फिर प्रिजन अबव 7 ईयर्स वहाँ पर ये चीज़ की जा सकती है, कि तो वो स्कीम को यूज़ कर सकते हैं जो कि चैप्टर 21A में मैंशनड है। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंप्लेंट्स जिसमें एक क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है। प्लस इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दोज जिसमें ऑफेंसेज होते हैं, जैसे स्पेशली सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें कंट्री की रिगार्डिंग, या फिर कोई ऐसा क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, वहाँ पर भी प्ली बार्गेनिंग नहीं होती। तो इस स्कीम का रैशनल क्या है, तो जस्टिस मलिमत कमेटी थी ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उन्होंने एंडोर्स किया था वेरियस रिकमेंडेशंस को लॉ कमीशन के, ठीक है, विद रिगार्ड टू प्ली बार्गेनिंग। इसके एडवांटेजेस क्या हैं,
स्पीडी ट्रायल हो जाता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है जो भी क्रिमिनल केसेस के आउटकम की, उसके रिगार्डिंग कुछ फ़ायदा मिलता है। लिटिगेशन की कॉस्ट बच जाती है सारी की सारी, ठीक है। जो पार्टीज़ होती हैं वो एंग्जाइटी से रिलीव हो सकती हैं। कन्विक्शन रेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ऑफेंडर्स को एक फ्रेश स्टार्ट ऑफ लाइफ मिल जाता है। तो इस तरह के प्ली बार्गेनिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। इंस्टा लिंक्स के अंदर जस्टिस मलिमत कमिटीज़ रिलेटेड टू कितनी बार पढ़ चुके हैं। When was the plea bargaining introduced in India or it is covered under CRPC important subject under the concurrent list? चलो ये मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, बिकॉज इतना ईजी है, एक्सट्रीमली ईजी। एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या आ गया, लेबर लॉज आ गया। रिसेंटली हम लोगों ने लेबर लॉज के अमेंडमेंट के ऊपर कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने विजन की मंथली कंपाइलेशन में भी कराया है। तो इस तरह के दो तीन सब्जेक्ट के नाम बताइए जो कॉमन होते हैं, वो जैसे पुलिस हमारा स्टेट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एजुकेशन कहाँ आता है, कंकरेंट में आता है या फिर यूनिट में आता है, या उसमें यूनियन में आता है या फिर स्टेट लिस्ट में आता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये लिस्ट आप लोगों को कैसे मिलेगी। सिंपल आपको गूगल पर लिखना है ऑल सब्जेक्ट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक वेबसाइट की PDF है, उसमें पूरी की पूरी लिस्ट मेंशन्ड है वो, ठीक है। वो आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ कुछ मेजर याद रखो, ठीक है, पुलिस, एजुकेशन, ये फॉरेस्ट वगैरह, हेल्थ वगैरह, ये सब चीज़ें। तो कंकरेंट लिस्ट के मुझे आप 3-4 एग्जांपल देके बताइए, बहुत ईजी, इसलिए मैं आप ही लोगों को दे रहा हूँ ये। नाउ वी हैव नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। दिस इज कवर अंडर स्टैचुएटरी, रेगुलेटरी एंड द वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। कंटेक्स्ट क्या है, जो ऑडिट रेगुलेटर है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन्होंने एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। उसकी चेयरमैनशिप है आर नारायण स्वामी के अंदर। ये एक प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के। कंपोजिशन क्या होगा इस कमेटी का, 7 मेंबर्स होंगे जिसमें चेयरमैन भी इंक्लूडेड होंगे। और उनके फंक्शन क्या होंगे, ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना NFRA की, उसको एड यानी कि सपोर्ट, हेल्प करेंगे और एडवाइस करेंगे किस तरह के इश्यूज़ के ऊपर, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के ड्राफ्ट वगैरह के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं ना, उन इश्यूज़ के ऊपर ये एड और एडवाइस देंगे। प्लस में इनके कुछ इनपुट्स भी होंगे जो ये प्रोवाइड करेंगे यूज़र्स के पर्सपेक्टिव के ऊपर, ठीक है। और प्लस में जो प्रिपेयरर्स और ऑडिटर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके रिगार्डिंग इनपुट्स दे देंगे। NFRA क्या होता है, प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1 अक्टूबर 2018 में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 132 क्लॉज 1 के अंडर। तो इस तरह की अथॉरिटी को सेटअप करने की नीड क्या थी, जो अकाउंटिंग स्कैम्स वगैरह थे ना, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो बढ़ते जा रहे थे। तो ऐसा फील हुआ कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को और जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स होती है ना, उन सबको रेगुलेट कर सके प्लस एनफोर्स कर सके। प्लस में जो इन्वेस्टर और पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स ऑफ कंपनीज के अंदर, उसको एनहेंस कर सके। इसलिए हम लोगों ने NFRA को कॉन्स्टिट्यूट किया था। NFRA का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक NFRA के पास एक चेयरपर्सन होना चाहिए जिसको अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो मैक्सिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए। इनके फंक्शंस और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये रिकमेंड करते हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स जिनको अडॉप्ट किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन सबको मॉनिटर करना और उनको एनफोर्स कराना इनका काम होता है NFRA का। प्लस में दे ऑल्सो ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस जो कि प्रोफेशनल्स के से एसोसिएटेड होती है, और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं और सजेस्टेड मेजर्स हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, उन सबको कंप्लाई किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। कुछ अदर फंक्शंस भी होते हैं और ड्यूटीज़ भी होते हैं इनके, ठीक है, जो कि बहुत नेसेसरी भी हैं और इंसिडेंटल हैं अफोरसेड फंक्शंस और ड्यूटीज़ के लिए। फिर हम बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। इट कैन प्रोब द लिस्टेड कंपनीज और वो सारे के सारे जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है, हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नो लेस देन 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर जो होता है उनका नो लेस देन 1000 करोड़ का। प्लस में ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो किया जाता है किसी के द्वारा कमिटेड होता है उसके भी अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली जो ICAI होता है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, उनके मेंबर्स के द्वारा अगर कोई मिसकंडक्ट किया जाता है। 4 प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और पर्संस। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रोविजंस हो गया एंड अबाउट ICAI क्या होता है ये देख लेते हैं। NFRA का हो गया, कंपनीज एक्ट के कुछ की प्रोविजंस के बारे में हल्का सा देख लेते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की। ये 1 जुलाई 1945 को एस्टेब्लिश की गई थी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक लॉ पास करके बनाया गया था इसका, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंदर पास किया गया था। ठीक है, ये रेगुलेट करता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंडिया में प्रोफेशन होता है ना, CAs का जो प्रोफेशन होता है इंडिया में, उन सबको रेगुलेट करता है। ICAI सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल बॉडी है वर्ल्ड की, और ये ओनली लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग बॉडी है फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटेंसी प्रोफेशन की इंडिया के अंदर। ध्यान रहे कि ये रेगुलेट भी करता है फाइनेंशियल ऑडिट और अकाउंटेंसी को, प्लस में उनको लाइसेंस भी देता है। प्लस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जो फॉलो करने चाहिए कंपनीज को, उनकी रिकमेंडेशन भी देता है ये, किसको? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। ठीक है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करता है जो बाकी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने चाहिए। एक हल्का सा की हाइलाइट्स देख लेते हैं हम लोग इंडियन कंपनीज एक्ट के बारे में। वैसे तो इसके सेलियंट फीचर्स बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत लंबा है। ठीक है, हल्का सा नज़र मार लेते हैं। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, परमिटेड हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, पहले वो 50 थे, अब उनकी लिमिट बढ़ा के 200 कर दी गई है। प्लस में कंपनीज एक्ट के अंदर एक 1% कंपनी है। सेक्शन 135 जो है इस एक्ट का, वो डील करता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है और इसमें कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल होता है। हल्के से इसके सेलेंट फीचर्स के ऊपर नज़र ज़रूर मार लेते हैं, जैसे कि क्लास एक्शन सूट फॉर शेयर होल्डर्स, मोर पावर इज गिवन टू शेयर होल्डर्स, वेमेन एम्पावरमेंट दी गई है कॉरपोरेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टिपुलेट किया गया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ है, फास्ट ट्रैक मर्जर्स हैं, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स भी हैं, यानी कि एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री तक के रिगार्डिंग थ्रू RBI, प्रोहिबिशन होता है फॉरवर्ड डीलिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग में, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को इंक्रीज कर दिया गया 200 से 50 से 200 वाला, मैक्सिमम पार्टनर्स के ऊपर एक लिमिट है 1% कंपनी का हो गया प्राइवेट कंपनी के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर। तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। ठीक है, मैंने आपको एक हल्का सा क्लिम्प्स दे दिया था। देन वी हैव मेगा फूड पार्क, दिस इज़ कवर्ड अंडर GS पेपर 3। इन द मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द इशूज़ एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। कंटेक्स्ट क्या है इसका? जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है मिजोरम के अंदर। ये बेनिफिट करेगा 25,000 फार्मर्स को और 5,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। ये पहला मेगा फूड पार्क है ऑपरेशनल है जो मिजोरम स्टेट का। ध्यान रहे, इससे पहले 18 हमारे पास ऑलरेडी ऑपरेशनल फूड पार्क्स हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो था वो अवंती मेगा फूड पार्क था मध्य प्रदेश का। तो मेगा फूड पार्क की स्कीम के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है मेगा फूड पार्क स्कीम को कंट्री के अंदर 2008 से। तो मिनिस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स में पूछा जा सकता है। इसका एम है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट से लिंक करते हैं, जहाँ पर फार्मर्स, प्रोसेसर और रिटेलर्स एक साथ आ जाते हैं। ये जो फूड पार्क्स होते हैं, एक मेजर बूस्ट मिलता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। इसमें वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, फूड वेस्टेज को रिड्यूस किया जाता है हर एक स्टेज के ऊपर, सप्लाई चेन का हो गया, और पर्टिकुलर फोकस दिया रहता है पेरिशेबल्स के ऊपर। पेरिशेबल्स का मतलब होता है वो चीज़ें बहुत जल्दी जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, जो डिग्रेड बहुत जल्दी हो जाती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। अगर हम बात करते हैं फंडिंग के रिगार्डिंग, एक मैक्सिमम ग्रांट मिलता है 50 करोड़ का सेटअप करने के लिए एक मेगा फूड पार्क, और जो मिनिमम 50 एकड़ का कॉन्टिग्यूस लैंड होना चाहिए, जिसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टोटल प्रोजेक्ट के कॉस्ट का। मोड ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो स्कीम का एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, जो कि हब और स्पोक्स मॉडल पर बेस्ड है। इसके अंदर एक क्रिएशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए, और जो स्टोरेज होता है वो फार्म के नियर होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर की फॉर्म में और कलेक्शन सेंटर की फॉर्म में, और कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि एनेबल करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के ऊपर। एक इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो, ये वही चीज़ें जो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ी हैं। बिल्कुल इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद मत ही करना, इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी, बट जो हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा है, यही सब एक आइडिया होना चाहिए आपको इसमें हो क्या रहा है। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो, तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो कि बॉडी कॉपरेट रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटिटीज़ हैं, कॉपरेटिव्स हैं, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एक सेपरेट SPV फॉर्म करें इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अगर सब्जेक्ट प्लस में थर्ड जो बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्कीम गाइडलाइंस, जो फंड्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं SPV के द्वारा, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा।
फंक्शनल मेगा फूड पार्क्स 18 हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेम हैं, कोई पॉइंट नहीं याद करने का, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा जरूर देता हूँ। फर्स्ट मेगा फूड पार्क विच मिनिस्ट्री हो गया, मिजोरम का हो गया, फंडिंग हो गया। एक बार मैं आपको 18 नेम्स दिखा जरूर देता हूँ, लेकिन इतने सारे याद कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे श्रीनी मेगा फूड पार्क हो गया चित्तौर में, गोदावरी नॉर्थ ईस्ट मेगा हो गया, क्रेमका, इंडस, अवंती वाला जो है ये देवदास मध्य प्रदेश 8th नंबर पर, ये इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क था। फिर पैठन हो गया, सतारा, MITS इंटरनेशनल ग्रीन टेक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो बहुत सारे हैं ऐसे, टोटल 18 है हमारे पास इंडिया के अंदर अभी, ठीक है। अब 19 हो गए, जो ये हमारा मिजोरम वाला भी इसके अंदर ऐड हो चुका है, इससे पहले हमारे पास 19 थे। नाउ वी हैव दिस टॉपिक, व्हाट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज CHADOVAX1 COVID-19 वैक्सीन। दिस इज कवर अंडर साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन द एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये एक वैक्सीन जिसको जॉइंटली डेवलप किया है एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है AstraZeneca और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, और इसको सेफ कंसिडर किया गया है क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करती है जो क्लिनिकल ट्रायल के अर्ली स्टेजेस है। वहीं पर वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं और ये कैसे डेवलप की गई वो भी देख लेते हैं। वैक्सीन बिलोंग करती है कैटेगरी को जिसको बोलते हैं नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। और ये जो वैक्सीन है ये जेनेटिकली इंजीनियर वायरस से बनी है, ठीक है, जो कि चिंपैंजीज के अंदर कॉमन कोल्ड कर देता है, उस वायरस से इसको बना, उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया गया फिर बनाया गया। साइंटिस्ट ने कैसे किया है, उन्होंने जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसफ़र किया था कोरोना वायरस की को स्पाइक प्रोटीन के, जो कि क्रूशियल टूल है इसके लिए जो इन्वेड करता है ह्यूमन सेल्स को वैक्सीन के ऊपर, और ये किया गया था ताकि जो वैक्सीन है वो रिजेंबल करे कोरोना वायरस को, और जो इम्यून सिस्टम है वो ये अपने आप में सेल्फ लर्निंग कर सके ताकि उस कोरोना वायरस को अटैक किया जा सके। ये जो ऊपर डायग्राम है इसी के बारे में बात कर लेते हैं नीचे, इसको भी डायग्राम को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनेगा। काम कैसे करता है, जो एडेनो वायरस होता है ना जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो रेप्लिकेट करता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, वो एंटर करेगा सेल में और एक कोड रिलीज करेगा जो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करेगा स्पाइक प्रोटीन को, एक पोटेंशियली हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस, और उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगा। एक बार जब इम्यूनिटी बंद बिल्ड हो जाएगी तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक करेंगी रियल वायरस को, अगर वो इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा बॉडी को। तो इंस्टा के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जब कोई COVID-19 के SARS-CoV-2 से इफेक्ट होता है तो जो रीज़न है कि वो बॉडी में स्प्रेड होता है इजीली, वो होता है बिकॉज ऑफ उसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स होते हैं। आपने कोरोना वायरस की शेप देखी होगी, उसकी बॉडी पर स्पाइक्स होते हैं, ये जो स्पाइक्स होते हैं इनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये अलाउ करते हैं वायरस के कि वो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए और फिर अंदर जाके वो मल्टीप्लाई कर जाता है। तो दिस इज़ हाउ कोरोना वायरस स्प्रेड्स इन आवर बॉडी। फिर क्या होता है नेक्स्ट, ग्लोबली ऑक्सफोर्ड और AstraZeneca ने ऑलरेडी Phase 3 बिगन कर दिया है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पे 5000 वॉलेंटियर्स हैं, और एक स्मॉलर ट्रायल, सिमिलर सा ट्रायल चल रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर जो कि अभी एक्सपेक्टेड है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, ये जो वैक्सीन ये बनाई जाती हैं जो COVID-19 वायरस का जो पार्टिकल्स होता है ना जो किल हो जाते हैं ऑलरेडी, तो अब वो इन्फेक्ट नहीं कर सकते और रेप्लिकेट नहीं कर सकते, तो इस तरह के पर्टिकुलर डोजेस को इंजेक्ट किया जाता है इस तरह के पार्टिकल्स को जो इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं इस डेड वायरस के अगेंस्ट। फिर आता है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, ये एक वीक और जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन को यूज़ करता है डिफरेंट वायरस के, ठीक है, जो कैरी करता है COVID-19 के स्पाइक प्रोटीन को। ये जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें ये वाली टाइप की वैक्सीन है। देन वी हैव प्रोटीन सब यूनिट, ये जो वैक्सीन है ये यूज़ करती है वायरस का वो वाला पार्ट जो एक इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड करता है एक टारगेटेड फैशन के अंदर, इस केस में जो पार्ट ऑफ द वायरस टारगेट किया जाएगा वो स्पाइक प्रोटीन होगा। देन वी हैव RNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन, ये वो वैक्सीन होती हैं जो RNA मैसेंजर को यूज़ करती हैं, RNA के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जो सेल्स को बताते हैं कि प्रोटीन्स क्या प्रोटीन बिल्डअप करना है। जो मैसेंजर RNA है इस केस के अंदर वो कोडेड होता है सेल्स को बताने के लिए, तो जो रिक्रिएट करता है हमारे स्पाइक प्रोटीन को। एक बार ये इंजेक्ट हो जाता है तो सेल्स जो हैं वो mRNA मैसेंजर RNA की इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं एक कॉपी बनाने में, स्पाइक प्रोटीन की कॉपीज़ बनाने में, जो इन टर्न एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रॉम्प्ट करता है इम्यून सेल्स को कि वो एंटीबॉडीज़ बना के उससे फाइट करें। फिर होती हैं DNA टाइप की वैक्सीन्स, ये जो वैक्सीन होती हैं जेनेटिकली इंजीनियर DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिर से कोड किए जाते हैं एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, और जहाँ पर इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को बिल्ड किया जाता है। हाउ SARS-CoV-2 स्प्रेड्स इन द बॉडी, वट आर टी सेल्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, CAD और X1, हाउ वैक्सीन्स वर्क,
ये तो भैया मैंने बहुत बार बता दिया रेसिपी, अभी के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है। मुझे आपको टी सेल्स के बारे में बताना है। यहाँ पर बेसिक अगर हम बात करें तो टी सेल एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल ही होता है, जिसकी बहुत की इंपॉर्टेंस होती है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। और वो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी का कोर होता है ना, वहाँ पर होता है जो सिस्टम है जो टेलर करता है बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स को किसी भी पैथोजन, पैथोजन का मतलब था डिजीज कॉजिंग जर्म्स, उनके अगेंस्ट। जो टी सेल्स होते हैं वो सोल्जर्स की तरह सर्च आउट करते हैं और जो भी टारगेटेड इन्वेडर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो फॉरन सब्सटेंस होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो इमेच्योर टी सेल्स होता है जिसको टर्म करते हैं टी स्टेम सेल्स, ये माइग्रेट करता है थाइमस ग्लैंड जो कि नेक में होता है, जहाँ पर ये मेच्योर होते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ मेच्योर टी सेल्स में, और ये एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्स करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं थाइमोसिन और उसके बाकी फैक्टर्स को। टी सेल्स जो हैं वो पोटेंशियली एक्टिवेट किए जाते हैं अगेंस्ट बॉडीज के ओन टिश्यूज और नॉर्मली किल्ड और चेंज्ड ड्यूरिंग द मैचुरेशन प्रोसेस, यानी कि डाउन रेगुलेटेड। रेज इनिशिएटिव, दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज के अंदर। एक रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग, यानी कि एयर कंडीशनिंग को कुछ इम्प्रूव करने की बात की जा रही है ताकि इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। रेज एक नेशनल प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया है, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL और S एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, ठीक है। ये कुछ गलत यहाँ पर टाइप हो गया है, ठीक है। उनके USAID का एक मैत्री प्रोग्राम, ये एक मैत्री प्रोग्राम है, ठीक है। USAID तो हम लोग अभी रिसेंटली दो बार पढ़ा भी है। तो इस तरह के प्रोग्राम की इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की नीड क्या थी। पुअर एयर क्वालिटी एक कंसर्न है इंडिया के लिए क्वाइट सम टाइम, बहुत कुछ समय से, जो कि COVID-19 पेंडेमिक की लाइमलाइट के अंदर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जब लोग अपने ऑफिस से पब्लिक स्पेसेस से रिटर्न करते हैं तो एक अच्छा इंडोर मेंटेन क्वालिटी होती है वो बहुत असेंशियल होती है फॉर देयर ऑक्यूपेंट कम्फर्ट, वेलबींग, प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल पब्लिक हेल्थ के लिए। रेज इनिशिएटिव पोटेंशियली एलिविएट करेगा ये जो बैड एयर क्वालिटी का इशू है, इसको वर्क स्पेसेस के अंदर अक्रॉस द नेशन हो गया, और जो उसकी कुछ पायनियर वेज हैं कि उसको हेल्थियर और ग्रीनर कैसे बनाया जाए। मैत्री प्रोग्राम क्या है? मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, यानी कि पार्ट है US इंडिया की जो बायलेटरल पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और USAID की, जिसका एम है कि कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उन सबको अडॉप्ट करना और एक्सेलरेट करना बिल्डिंग्स के अंदर, और स्पेसिफिकली फोकस होगा उसका कूलिंग के ऊपर। दैट्स इट। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रीलिम्स से दो महीना पहले पूरी की पूरी सीरीज़ अपलोड करूँगा, जनवरी 2020 से लेकर और जो भी वो मंथ चल रहा होगा, तहाँ एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो के सारे फैक्टर ऑफ प्रीलिम्स मंथली कंपाइलेशन में से लेकर एक वीडियो में 100-150 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे।